गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम सभी यहाँ पर डिजिटल सेवा एजुकेशन के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को कोचिंग की शिक्षा, और आज संडे है जो कि हर संडे यहाँ पर टेस्ट कराया जाता है। तो आज हमारे इसी बीच में रामबली सहायक अध्यापक मौजूद हैं, तो हम इन्हीं के मार्गदर्शकों पे हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और आज हम इन्हीं के जरिए कुछ अपने और दर्शकों को और अपने इसी के माध्यम से और लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा आगे का प्लानिंग क्या रहेगा। आइए मिलवाते हैं रामबली बिन सहायक अध्यापक से। धन्यवाद सर। मैं ग्राम सभा मिलहरा में उन होनहार बच्चों को सिलेक्ट कर कोचिंग और टेस्ट करवा रहा हूँ। मेरा इन बच्चों का टेस्ट और कोचिंग करवाने का मेन उद्देश्य ये है, मैं सुपर 30 बैच बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सुपर 30 बैच बनाने का बस मैं भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं उन बच्चों को सिलेक्ट कर जो वाकई में टैलेंटेड है, वाकई में पढ़ने की इच्छा है और वाकई में कुछ करने की जुनून है उनके अंदर, मैं सुपर 30 का एक प्लान बनाया हूँ। कुछ सुपर 30 बैच बनाकर बच्चों को हर संभव प्रयास किया जाए कि उनको हर तरीके से जो है जिस भी फील्ड में जाना चाहें उस फील्ड में उनको हर तरह का जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनको एक तैयार किया जाएगा। चलिए ठीक है। और यहाँ इसी सिलसिले में और बच्चे कोचिंग भी करते हैं, तो हम लोगों का यही प्लान है कि एक सुपर 30 का प्लान करा जाए। और मास्टर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कि ऐसी सोच है इनकी, अगर एक गांव में अगर एक व्यक्ति इस तरह का विकास करे तो सोच ही रखे तो बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं बच्चों की शिक्षा। और शिक्षा एक ऐसा दूध है कहा जाता है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इसी संबंध में मैं मास्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुल आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों